विहाटा स्थित कन्हौली मुख्य मार्ग पर अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की। गुरुवार को दिन दहाड़े तीन अपराधी शॉप में घुसे और हथियार के बल पर 2 kg सोने के जेवर लूट कर फरार हो गए। इन जेवरतों की कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। घटने के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम दिया, टायर जलाकर आगजनी की ओर और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। आक्रोशित लोग पुलिस की मुआवजे की मांग कर रहे थे। ज्वेलरी शॉप के मालिक का कहना है कि ग्राहकों को जेवरात की डिलीवरी देनी थी। सुबह करीब 11:15 पहले से घात लगाए अपराधी दुकान में घुस गए और बंदूक के बल पर लूटपाट किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बिहाटा थाने को दी। सूचना मिलने के बाद काफी देर से पहुंची। लोगों का कहना है पिछले 3 दिनों से बिहाटा के आसपास लूट और अपराध की घटनाएं लगातार घट रही है। बताया जा रहा है कि गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक जितेंद्र कुमार गुरुवार को सुबह अपने घर से निकलकर दुकान जा रहे थे। आसपास के लोग ने बताया कि जितेंद्र कुमार अपने हाथ में एक थैला ले रखा था जिसमें लगभग 2 किलो के आसपास सोने के जेवरात थे। जैसे ही जितेंद्र कुमार ने दुकान के एक शटर खोला और दूसरे शटर खोलने की तैयारी में थे, वैसे ही अपराधी दुकान में घुस गए। इसके बाद हथियार के बल पर जेवरात से भरे थैले में लूट लिया। बताया जा रहा है कि छैला के लूटने के बाद ये सभी अपराधी मोटरसाइकिल से बिहाटा की तरफ भाग निकले। दानापुर एएसपी अभिनव धीमल ने बताया कि पुलिस के मामले में छानबीन से जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे में भी खंगाल रही है।